किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। किसान भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आज के लिए हम आपके लिए ऐसे तीन वैरायटी लेके आए हैं। यदि आप इन तीनों में से किसी एक वैरायटी का चयन अपने खेत में करते हैं और गेहूं की बुआई करते हैं, तो किसान भाइयों आपकी जो गरीबी है, बहुत से किसान भाई बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, जो वे केवल अपनी जो फसल होती है उस पर ही निर्भर रहते हैं। तो किसान भाइयों यह वैरायटी आपकी काफ़ी हद तक गरीबी को मिटा देगी। यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करके अपने गेहूं की बुआई करते हैं, तो आपका जो गेहूं का उत्पादन होगा वह बहुत ही शानदार निकलेगा और जो अच्छी मात्रा में आपके गेहूं निकलेंगे तो किसान भाइयों अच्छी मात्रा में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों इन तीनों वैरायटियों के बारे में बताने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों अब बात करते हैं इन तीनों वैरायटी के बारे में, यह किसान भाइयों की गरीबी मिटाने वाली वैरायटी कौन कौन सी है। किसान भाइयों नंबर तीन पर जो हमने वैरायटी रखी है उसका नाम है श्रीराम 272। किसान भाइयों इस गेहूँ की जो वैरायटी है इसकी बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके पौधे की हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। किसान भाइयों यह वैरायटी 140 से लेकर लगभग 150 दिन के बीच में पक कर के तैयार हो जाती है। इसकी यदि बुआई की बात करें तो बुआई में इसकी जो बीज की मात्रा आपको लेनी होगी वह 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। किसान भाइयों इस पूरी गेहूँ की वैरायटी में आपके पूरे ओवरऑल जो गेहूँ की फसल का चक्र होता है उसमें 4 से 5 सिंचाई आपको करने की आवश्यकता होती है। इसमें रोगों की क्षमता की बात करूँ तो इसमें बहुत ही कम रोग देखने को आपको मिलते हैं। यदि इसके पैदावार की बात करें तो किसान भाइयों आपको यह वैरायटी 25 से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों नंबर दो पर जो हमने वैरायटी रखी है यह किसान भाइयों की गरीबी को बिल्कुल ही मिटाने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों इस वैरायटी का नाम है HI 8663। किसान भाइयों इस वैरायटी की बुआई आप पूरे नवंबर माह में कर सकते हैं। मात्र 130 दिन की यह वैरायटी होती है, मात्र 130 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर के तैयार हो जाती है। यदि बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें मात्रा जो बीज की होती है वह लेनी होती है। किसान भाइयों यदि सिंचाई की बात करें तो इसमें 3 से लेकर 5 सिंचाई आपको देने की आवश्यकता होती है। इसमें रोग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह वैरायटी आपके जो खेत में यदि आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो आपके खेत में गेहूं की फसल में कोई भी रोग नहीं लगेगा, यह बिल्कुल ही रोग प्रतिरोधक है। किसान भाइयों इस वैरायटी का तना मजबूत होता है, जिससे कि कितनी भी आंधी तूफान आ जाए बारिश आ जाए यह आपकी गेहूं की वैरायटी नीचे नहीं गिरती। बहुत से किसान भाइयों क्या होता है कि गेहूँ की फसल अच्छी होती है लेकिन हवा बारिश तूफान में गेहूँ की जो फसल होती है वह नीचे गिर जाती है, जिससे कि गेहूँ का उत्पादन कम निकलता है, लेकिन इस जो वैरायटी है यह नीचे नहीं गिरेगी। किसान भाइयों इसका तना मजबूत के साथ साथ इसका दाना भी मोटा होता है और वजनदार होता है। किसान भाइयों इसके पौधे की लंबाई की बात करूँ तो इसके जो पौधे की पूरी लंबाई होगी वह लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। किसान भाइयों इसके उत्पादन की बात करूँ तो इसका उत्पादन आपको 28 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों नंबर एक पर जो हमने वैरायटी रखी है वह बहुत ही शानदार वैरायटी होने वाली है, यह निश्चित तौर पर आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। किसान भाइयों आपको इसकी अगेती बुआई करनी होगी। किसान भाइयों इसके पौधे की बात करूं तो इसका पौधा 102 से लेकर 103 सेंटीमीटर तक हो सकता है। किसान भाइयों इसके पकने का जो समय है वह 140 से लेकर 145 दिन का है, यह पकने में अपना पूरा समय लेती है। किसान भाइयों इस वैरायटी में आपको 4 से लेकर 5 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यदि बीज की मात्रा की बात करूं किसान भाइयों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें बीज की मात्रा लेनी होगी। भाइयों रोग क्षमता की बात करूं तो इस वैरायटी में आपको बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल ही रोग प्रतिरोधक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो क्योंकि इस वैरायटी में कोई भी रोग नहीं लगेगा। किसान भाइयों इस वैरायटी का तना भी मजबूत होगा, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए यह नीचे नहीं गिरेगी और आपका अंत तक खड़ी रहेगी और जो आपके गेहूँ के उत्पादन है वह बहुत ही शानदार निकलेगा। किसान भाइयों इस जो वैरायटी है ये वैरायटी DBW 187 है। किसान भाइयों इस DBW 187 वैरायटी में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी रोटी बनती है वह भी बहुत ही सुंदर बनती है। किसान भाइयों यदि पैदावार की बात करें तो यदि आप इसमें सही समय पर खाद का उपयोग करते हैं, सही समय पर स्प्रे, सही समय पर
पूरे सिंचाई और सही समय पर ओवरऑल जो भी मेहनत करनी होती है एक किसान को फसल में वो करते हैं, तो आप इसका जो उत्पादन है वह 30 से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। किसान भाई यदि आप इसमें एक औसतन यानी कि एक ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, नॉर्मली मेहनत करते हैं, तब भी इसका उत्पादन 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है। तो किसान भाइयों, ये तीन वैरायटी मैंने आपको बताई है, यदि आप इन तीनों में से किसी एक का उपयोग भी करते हैं तो जो आपकी गरीबी है वह काफ़ी हद तक मिट जाएगी। मैं तीनों वैरायटी को एक बार बता देता हूँ। 3 नंबर पर हमने श्रीराम 272, 2 नंबर पर हमने HI 663 और 3 नंबर पर हमने BBW 187 वैरायटी रखी है। इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और अपने गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।